तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने एक लैपटॉप को परचेस कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइज, यहाँ पे एक लैपटॉप मैंने परचेस किया है कल ही इवनिंग में, और इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से कल परचेस किया। क्यों परचेस किया और कितना प्राइस पड़ा इस लैपटॉप का, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो देख पा रहे हैं गाइज, यहाँ पे हमारा लैपटॉप है प्यारा सा। अब हम इसको करेंगे अनबॉक्सिंग एचपी का। अभी मैं आपको साइड वाइज कुछ दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे एचपी लैपटॉप है 15S, इसका मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पे और भी कई सारे डिटेल्स है। तो हम इसको करते हैं अनबॉक्स। वैसे तो यहाँ पे मैंने ऑफलाइन मार्केट से इसको परचेस किया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख पा रहे कुछ तो देख पा रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप हमारा सामने की ओर आ चुका है, और इसके साथ साथ हमें एक चार्जर भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे एक लैपटॉप का चार्जर भी है साथ में, और यहाँ पे कुछ यूज़र्स मैनुअल दिया गया है एचपी की तरफ से। आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक वायरलेस माउस भी ले लिया ताकि मुझे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। और साथ ही साथ मेरे पास एक कीबोर्ड पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है अगर बाई चांस ख़राब हो जाता है तो इसमें आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने इसको एक्सटर्नल के लिए यूज़ के लिए रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे माउस, तो देख पा रहे यही सारी चीज़ें हमको लैपटॉप के साथ देखने को मिला। 1 ईयर की वारंटी मिली है। तो जैसा कि आपने देखा कि लैपटॉप के साथ मेरे साथ क्या क्या देखने को मिला, और जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी मेरे गार्जियन को होता है। तो उनका ओपिनियन हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, उन्हें कैसा महसूस हुआ लैपटॉप लेने के बाद। अब हम यहाँ पे रीज़न की बात करते हैं कि इस लैपटॉप को मैंने परचेस क्यों किया। दरअसल मोबाइल में होता है क्या है कि हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाते जहाँ पे उतने फीचर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन लैपटॉप पे वही कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक्सटेंशन मिल जाते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में थोड़ा बहुत मदद करते हैं। तो लैपटॉप लेने का मेन रीज़न ये था। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट को क्रिएट किया है, उस वेबसाइट को थोड़ा हैंडल करने में मुझे मोबाइल से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था, जैसे कि आर्टिकल लिखना हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं मोबाइल से, जिसकी वजह से मैंने इस लैपटॉप को लेना काफ़ी ज़्यादा बेटर समझा। क्योंकि लैपटॉप पे बहुत सारे काम है वो थोड़ा ईजी वे में कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद है लैपटॉप को लेने का कि मैंने एक लैपटॉप से बहुत सारे काम को कर सकता हूँ, यानी कि मल्टीटास्किंग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। और इस लैपटॉप का जो प्राइस पड़ा वो पड़ा है 45,000 रुपये। इसको मैंने ऑफलाइन मोड में लिया, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी देर वेट भी करना पड़ता है और उस पर से हर एक चीज़ देखना पड़ता है कि उसमें अवेलेबल है या फिर नहीं। ऑफलाइन में आदमी खुद सामने से देख कर हर चीज़ आसानी से परचेस कर सकता है, जिसकी वजह से मैंने इस लैपटॉप को परचेस करा। कैसा है ये लैपटॉप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए अब हम अपने गार्जियन का ओपिनियन लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा। तो देख पा रहे गाइस, यहाँ पे मेरी अम्मी आ चुकी है, अब हम इनसे ओपिनियन लेते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। तो बताइए, मतलब हमने लैपटॉप ले लिया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। यहाँ तक पहुँचा है शुरू से, और भी आगे सपोर्ट कीजिए कि बहुत अच्छा लगे, हमको बहुत खुशी होगा आगे बढ़ेगा। तो आप लोग भी इसी तरह से अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूस करते रहिए। यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जाने से पहले कुछ ऑडियंस को बोलते जाइए। यही बोलना है कि आगे और सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए तो अच्छा लगेगा, खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए कि और आगे बढ़े। सो जैसा ही गाइज आपने सुना है कि उन्हें कैसा लगा, तो इसी तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाइए, हम कुछ और भी आगे तक जाएंगे, 50 के सब्सक्राइबर तक कंप्लीट कर दीजिए। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद है, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।